नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अपने घरों में एकाकी और निराश्रित रह रहे बुजुर्ग लोगों के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 60 और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए उन्हें आसरा देने की बात कही जा रही है और आसरा दिया भी जा रहा है। इसी सिलसिले में चंदला क्षेत्र में भी 8 ऐसे बुजुर्गों से सचिन शर्मा ने बातचीत की। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन संकल्प के तहत 60 से 65 साल या उससे अधिक के उम्र के बुजुर्गों को चिन्हित कर उनकी व्यवस्थाओं के मद्देनजर सुविधाएं प्रदान करने का जिम्मा उठाया गया है, जिसके लिए पुलिस बल की मदद से इस अभियान को पूरा किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि कुछ पुलिस कर्मचारियों को कुछ बुजुर्गों की जिम्मेदारी दी जाएगी और इस जिम्मेदारी को पुलिस कर्मचारी बेटे के रिश्ते की तरह निभाएंगे। इसी तारतम्य में 6 अगस्त को चंदला तहसील अंतर्गत कुछ गांव में ऐसे ही चिन्हित बुजुर्गों से एसपी छतरपुर ने मुलाकात करके मदद करने का आश्वासन दिया। एक छोटा अभियान चंदला थाना अंतर्गत ग्राम सिमरिया में भी चलाया गया, जहां पर 8 चिन्हित बुजुर्गों से एसपी सचिन शर्मा ने मुलाकात की। टीआई चंदला वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि एसपी साहब द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस टीम उनके आदेश का पूर्णतः पालन करेगी। एसपी छतरपुर के आदेश के अनुसार चंदला तहसील अंतर्गत 56 ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित किया गया है जो पूर्णतः निराश्रित और एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके लिए संकल्प अभियान के चलते सारी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे पुलिस अधीक्षक का एक अभियान संकल्प अभियान जी, जिसके तहत वृद्ध व्यक्ति जो एकांगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए या उन्हें किसी प्रकार के अपराधों से बचाने के उद्देश्य से उनको जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम के तहत या ये यूं कहें कि एक अभियान के तहत उन्होंने पूरे जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके तहत वृद्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं हम लोग। जैसा हमने अपने थाना क्षेत्र में 56 लोगों को यहां से चिन्हित किया है जो वृद्ध व्यक्ति हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। उसी कार्यक्रम के तहत आज एक सिमरिया गांव है, उस सिमरिया गांव में हम लोगों ने एक छोटा सा आयोजन किया था जहां 8 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है। उन 8 व्यक्तियों से आज हमारे पुलिस अधीक्षक मिले हैं उनसे जाके,